जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानूज क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह का एक नेकलेस बनाएंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके साथ के इयररिंग बनाए थे, अब इस इयररिंग के साथ का हमने नेकलेस बनाया है। ये हमने सिल्क थ्रेड से बनाया है और शटल से बनाया है। इसे आप शटल थ्रेड से और निडल से भी बना सकते हैं। इसे तो ये मैंने इसे शटल से बनाया है। तो चलो हम ये वीडियो बनाना शुरू करते हैं। इयरिंग के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि इयरिंग के हिसाब से हमारा ये नेकलेस का पार्ट बनता है। तो इयरिंग के वीडियो से ही हमारा ये नेकलेस का पार्ट बनेगा। जिस तरह से हमने अपना इयरिंग बनाया है, उसी तरह से हम अपने नेकलेस का ये फर्स्ट पार्ट बनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे का पार्ट बनाते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख लें। तो चलो हम ये वीडियो बनाना शुरू करते हैं। इससे मैंने अपना ये वाला पार्ट बना लिया है। ये बिल्कुल हमारी इयरिंग की तरह बनता है। इयरिंग के अंदर हमने ऊपर की तरफ 9 रिंग बनाई थी, नीचे की तरफ भी 9 रिंग बनाई थी। इसके अंदर मैंने 8 रिंग ऊपर बना लिए और 8 रिंग नीचे बना ली। अब इसकी 9th रिंग बनाएंगे। तो 9th रिंग में थोड़ा सा चेंज है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने ये पार लगा लिया है, सॉरी बीड लगा लिया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम 10 डबल नोट बना के अपने वर्क से इसे ज्वाइन कर देंगे। अब इसके बाद इसके अंदर 7 डबल नोट बनाएंगे, 1 पिकेट और 3 डबल नोट बना के इसे कंप्लीट करते हैं। इस बार इसके अंदर हमने 1 पिकेट बना लिए, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर ऊपर वाली रिंग बनाएंगे, जो बिल्कुल हमारी सभी रिंग की तरह सेम बनेगी। तो मैं अपनी ऊपर वाली ये 9th रिंग कंप्लीट करती हूँ, जो बिल्कुल सभी रिंग की तरह हमारी सेम बनेंगे। इससे मैंने अपनी ऊपर वाले रिंग भी कंप्लीट कर लिए। इसकी लास्ट रिंग में भी हमें पिकेट बनानी है और लास्ट वाले नीचे वाले रिंग में भी पिकेट बनेगी। अब इसका अगला वर्क शुरू करेंगे, जिसके अंदर ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तब यहाँ पे पहले हम रिंग बनाएंगे। तो रिंग जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे। 3 डबल नोट बना के नीस वाली बड़ी रिंग के पिकेट से इसे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे 3 डबल नोट बनाती हूँ मैं। उस बड़ी रिंग की पिकेट से इसे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद इसके अंदर हम 3 डबल नोट बनाएंगे, फिर बीड लगाएंगे अपना गोल्डन बीड लगा के, फिर 3 डबल नोट, फिर 1 पिकेट और 3 डबल नोट बना के अपनी इस रिंग को कंप्लीट करेंगे। ये हमारी सभी रिंग की तरह सेम बनेगी जो हम ऊपर की तरफ बनाते हैं। तो इसे मैं कंप्लीट करती हूँ। रिंग कंप्लीट करने के बाद एक गोल्डन बीड यहाँ लगाएंगे। अभी बड़ी वाली रिंग हमारी अपोजिट साइड में बनेगी इस तरह से। तो शुरू में हम इसमें 10 डबल नोट ना बना के और अपना ये डायमंड बीड अपनी राउंड में ले लें। शुरू में 10 डबल नोट ना बना के हम इसके अंदर 3 डबल नोट बना के इसे अपनी रिंग से ज्वाइन करेंगे पहले। ज्वाइन करने के बाद इसके अंदर 7 डबल नोट बनाएंगे हम। 7 डबल नोट बनाने के बाद अपना डायमंड बीड लेते हैं और 10 डबल नोट बना के अपनी बड़ी रिंग को हम कंप्लीट करते हैं। अपनी बड़ी रिंग भी कंप्लीट कर ली है। अब बिल्कुल हमारा वर्क इस वाले वर्क की तरह सेम होगा। तो मैं कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल सेम होगा, लेकिन इसमें हमने 9 रिंग बनाई थी, इसमें हम 8 रिंग बनाएंगे और ये वाली बड़ी वाली रिंग 7 रिंग बनी, क्योंकि एक रिंग हमारी छोटी यहाँ हो गई। और लास्ट वाली 4 रिंग के अंदर ऊपर की तरफ हम इसमें 2-2 बीट्स लगाएंगे। तो ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे मैंने अपना ये सेकेंड वर्क भी कंप्लीट कर लिया है।
इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 रिंग ऊपर बनाई है और 7 रिंग नीचे बनाई। अब अपनी 8th रिंग बनाएंगे ऊपर वाली, तो लास्ट की 4 रिंग के अंदर हमने ऊपर की तरफ 2 2 गोल्डन बीड्स लगाएं, दो दो गोल्डन बीड्स लगाएं, और ऊपर की 4 के अंदर हमने एक एक लगाएं। अब इसकी लास्ट रिंग बनाएंगे हम, तो लास्ट रिंग में शुरू में 3 डबल नोट बना के इसके प्रीवियस रिंग से इसे ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कर लिया हमने प्रीवियस रिंग से, अब इसके अंदर 3 डबल नोट बना के अपने दोनों बीड्स हम लगा देंगे। दोनों बीड्स लेने के बाद इसके अंदर हम 6 डबल नोट बनाएंगे, पिकेट नहीं बनाएंगे इसके अंदर। इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट करने के बाद नीचे इस तरह से मैंने इसके अंदर ये रानी कलर के दोनों साइडों में 8 8 बीट्स ले लिए। सेंटर में एक डायमंड बीट्स लिया है और उसके नीचे एक रानी कलर का बीट्स लगाया है। इस तरह से मैंने ये राउंड बना लिया है। तो ये पहले ही अपनी सेटल में हम डाल लेते हैं। जिस तरह से हमने अपने दोनों पार्ट बनाए थे बिल्कुल सेम इधर बनेगा, लेकिन जहाँ जहाँ हमने 4 रिंग के अंदर जहाँ पे हमने दो दो गोल्डन बीड लगाए वहाँ पे ये आपस में ज्वाइन होगा। तो मैं एक आपको ज्वाइन करके दिखाती हूँ, फिर बिल्कुल सेम हमारा बनेगा। तो पहले हम अपनी ये वाली फर्स्ट रिंग बनाएंगे, इसके अंदर कोई बीड नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट 6 डबल नोट बनाएंगे। सिक्स डबल नोट बनाने के बाद जो हमारी नीचे वाली फर्स्ट रिंग है यहाँ पे हमने दो गोल्डन बीड्स लगा रखे हैं, वहां से इसे ज्वाइन कर देंगे। अब इसके अंदर हम 3 डबल नोट बनाएंगे, 1 पिकेट और 3 डबल नोट बना के अपनी रिंग को हम कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद हम ये बड़ी रिंग बनाएंगे बीड्स लगा के, फिर सेकंड रिंग के साथ इसे ज्वाइन करेंगे, थर्ड रिंग के साथ, फोर्थ रिंग के साथ, फिर ये 4 रिंग बनाएंगे, फिर अपना ये वाला वर्क करेंगे। तो बिल्कुल जस्ट हाफ इधर बनेगा, तो ये पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपने इस पीस को तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर की चैन हम इसके साथ में बनाएंगे, तो अपने थ्रेड को यहाँ से मैं कट कर दूंगी, और जिस तरह से अपने इयररिंग में अपने थ्रेड को हमने फिनिशिंग से एडजस्ट किया था, उसी तरह से इन गोल्डन बीड्स के अंदर थ्रेड को डालते हुए फिनिशिंग से इसे एडजस्ट कर देंगे। तो हमारे बीच का हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसके साथ की हम साइड की चैन बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको शटल में किस तरह से बीड डालेंगे या निडिल से बनाएंगे, तो निडिल में किस तरह से हम इसमें बीड्स डालेंगे, तो मैं उसकी काउंटिंग आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम लास्ट वाले इस पार्ट की बीट डालेंगे, तो इसके लास्ट वाले पार्ट में सबसे पहले गोल्डन कलर के 24 बीट डालेंगे, उसके बाद एक बड़ा वाला बीट डालेंगे। फिर उसके बाद जब ये सेकंड वाला पार्ट बनाते हैं, इसके अंदर हम पहले 20 गोल्डन बीट डालेंगे और फिर एक ये बड़ा वाला डालेंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर एक गोल्डन बीट और डालेंगे, इसके बाद इसके अंदर एक गोल्डन बीट और डालेंगे। फिर उसके बाद अगर हम ये निडिल से वर्क करते हैं तो हमें ये वाला हिस्सा निडिल से बन जाएगा। इसमें मैंने शटल से बनाया इसलिए मेरे को यहाँ पे रानी कलर के बीट्स लगाने पड़े, तो ये मैंने 8 बीट्स रानी कलर के दोनों साइड में लिए, बीच में एक वो बड़ा बीट्स लिया है और नीचे की तरफ से मैं एक रानी कलर का बीट्स लेके और फिर इस वापस से इसके अंदर से थ्रेड को निकाल के फिर इस तरह से लूप बनाया है। मैं आपको ये बनाना भी बता दूंगी। फिर उसके बाद अपने थर्ड पार्ट के अंदर हमें 24 गोल्डन बीट्स लेने, फिर एक डायमंड बीट लेना, फिर इसके अंदर 29 गोल्डन बीड्स लेने और ये एक डायमंड बीड लेना। तो इस तरह से इसके अंदर हमने पीछे से मैंने जिस तरह से हम शटल में डालेंगे आपको बीड्स की काउंटिंग बता दी है। फिर हम स्टार्ट करते हैं, तो अपने गोल्डन डायमंड बीड से स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमारा ये पूरा बीच का हिस्सा बनता है। अब इसके साथ की हम इसकी जो अपर वाली ये रिंग है, इस रिंग से हम इसके अंदर दोनों तरफ से
ज्वाइन करके अलग अलग अपनी चैन बनाएंगे, जिस तरह से हमने अपने पुराने नेकलेस में बनाई थी। जो साइड में हमने इस तरह की ये चैन बनाई है, इसी तरह की चैन इसके अंदर भी बनाएंगे। तो मैं यहाँ से इसे ज्वाइन करूँगी, तो हम एक साइड के हम बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने एक तरफ के इसमें डोरी बना के इसे कंप्लीट कर लिया। ये थोड़ी मैंने बड़ी बनाई है, दूसरे साइड की थोड़ी छोटी बनाऊंगी, जिससे इसके अंदर अपना छोटा बड़ा कर सके। अब इसके अंदर यहाँ पे जैसे हमने यहाँ ज्वाइन किया था, वैसे इसी तरह से यहाँ पे ज्वाइन करके, तो इस तरह से अपना थ्रेड लेते हैं, और जो ऊपर वाली ये पर्ल वाली पिकेट है, इसके अंदर से अपने इस थ्रेड को हम निकाल लेंगे। इसके अंदर मैंने गोल्डन बीट्स डाल दिए हैं। अब इस धागे को दूसरी शटल में हम डाल लेंगे। इससे मैंने दोनों शटल में थ्रेड डाल दिया है, फिर यहाँ पे एक नोट लगा देंगे। और अपनी पहली रिंग बनाएंगे इसमें। इसके अंदर एक डबल नोट पिकेट और एक डबल नोट बना के अपनी रिंग को कंप्लीट करते हैं। हमारी फर्स्ट रिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम अपना कोऑर्डिनेशन वर्क करेंगे। कोऑर्डिनेशन वर्क में शुरू में इसके अंदर हम 6 डबल नॉट बनाते हैं। सिक्स डबल नॉट बनाने के बाद एक गोल्डन बीट लेते हैं और 6 डबल नॉट बना के अपने कोऑर्डिनेशन वर्क को हम कंप्लीट करते हैं। फिर हम येलो शटल के थ्रेड को ही पिकेट्स में से निकाल के से नॉट लगा देंगे। इस तरह हमारा एक वर्क कंप्लीट हो गया। इसी तरह से मैं ये पूरा कंप्लीट करके अपने नेकलेस को मैं कंप्लीट करती हूँ। फिर वापस से अपनी रिंग बनाएंगे, फिर कोऑर्डिनेशन वर्क, फिर रिंग बनाएंगे, फिर कोऑर्डिनेशन। इस तरह बनाते हैं, इसमें कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह इसके दोनों तरफ के हमने ये डोरी कंप्लीट कर ली है, हमारा नेकलेस कंप्लीट हो गया है। ऊपर की तरफ मैंने इस तरह से दो रिंग बना ली है। इसके अंदर ऊपर हुक लगा के इसे इससे हमारा ये नेकलेस कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरे नेकलेस की डिजाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।